हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की बड़ी खबर, दोस्तों आईपीएल 2024 का आज 58वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम यहां जीतेगी, इसी वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे, अगर आप 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए जीतना चाहते हैं तो इन खिलाड़ियों को चुनकर अपनी ड्रीम 11 मजबूत बना सकते हैं। इन खिलाड़ियों को चुनेंगे तो आपके पास 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए जीतने का मौका हो सकता है। तो दोस्तों ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे कौन से स्टेडियम में और कितने समय शुरू होगा आईपीएल 2024 का 58वां मुकाबला। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप मैच टॉस सेक्शन की सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अंकित भाई से संपर्क करें, इनका काम बहुत ही बेहतर है। मैंने खुद इनका काम चेक किया, एक बार इनसे संपर्क करें, इनका कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के 17वें सीजन का आज 58वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग के बीच खेला जाएगा। दोस्तों फाफडू प्लेसिस की कप्तानी में आरसीबी ने 4 मैचों में जीत हासिल की है और दोस्तों 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों पंजाब की बात करें तो दोस्तों पंजाब किंग ने भी 4 मैचों में जीत दर्ज की है और 7 मैचों में उसे भी हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि रिकॉर्ड दोनों टीमों के बीच क्या है। दोस्तों आरसीबी और पंजाब के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक 32 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से आरसीबी को 15 मैचों में जीत मिली है और पंजाब किंग को 17 मैचों में जीत मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 की पिछली भिंडत में आरसीबी ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। और दोस्तों आईपीएल 2023 की बात करें तो दोस्तों आईपीएल 2023 में दोनों टीमों के बीच सिर्फ 1 मुकाबला खेला गया था और यह मुकाबला आरसीबी ने 24 रनों से जीता था। दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी ने अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हराया था। उस मैच में विराट कोहली ने 42 रन बनाए थे और फाफडू प्लेसिस ने 64 रन की उम्दा पारी खेली थी। दोस्तों अपने पिछले 3 मैचों में जीत दर्ज कर चुकी आरसीबी की टीम लय बरकरार रखना चाहेगी, यानी लगातार 3 मैचों में आरसीबी ने जीत दर्ज की है। दोस्तों पंजाब को अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में जीत के लिए मिले 168 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग ने सिर्फ 39 रन ही बनाए थे और दोस्तों टीम बिना बदलाव के मैदान पर उतर सकती है। दोस्तों तो क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग 11 फाफडू प्लेसिस कप्तान और विराट कोहली, बिल जैक्स, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और विजय कुमार सिसाक। दोस्तों पंजाब किंग की संभावित प्लेइंग 11 जोनी बास्टो, रिले रुसोब, ससाक सिंह, सिम करण, कप्तान जितेश शर्मा, विकेटकीपर आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, कगासो रबाड़ा, अर्शदीप सिंह और राहुल चहर। दोस्तों ये दो टीमें आज शाम 7:30 बजे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी और दोस्तों यहाँ पर आरसीबी यानी बेंगलुरु जीतेगी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बेंगलुरु जीतने की पूरी संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप ड्रीम 11 पर एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं और आप 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए जीतना चाहते हैं तो इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में चुनकर बनाए मजबूत टीम। दोस्तों ये खिलाड़ी इस प्रकार है। दोस्तों विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, प्रभासी रंग सिंह और जॉनी बास्टो। दोस्तों बल्लेबाज विराट कोहली, कप्तान ससाक सिंह और फाफडू प्लेसिस। दोस्तों ऑलराउंडर सिम करण और बिल जैक्स, उपकप्तान, गेंदबाज हर्षल पटेल, कगासो रबाड़ा और राहुल चहर। दोस्तों इन खिलाड़ियों को चुनकर अपनी मजबूत ड्रीम 11 बना सकते हैं और आपको 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए मिलने के चांस भी मिल सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी और पंजाब के बीच होने वाला ये मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में और खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच को आप भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे स्टार स्पोर्ट नेटवर्क और जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री लाइव देख सकते हैं और यहां पर आरसीबी जीतेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 का 58वां मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना अगर आप आईपीएल से जुड़े सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।